मंदसौर जिले के चंदवासा में चाकूबाजी में एक की मौत, एक गंभीर घायल। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा चौकी के अंतर्गत चंदवासा बस स्टैंड पर दोपहर के करीब में कैलाश प्रजापत नामक युवक ने रवि से रुपये लेन देन की बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। इस विवाद में कैलाश प्रजापत ने चाकू से रवि पर हमला कर दिया, रवि प्रजापत घायल कर दिया। उसी समय भतीजा श्यामलाल प्रजापत पहुंच गया तो हमलावर ने श्यामलाल पर भी चाकू से वार कर दिया, जिससे दोनों काका भतीजे चाकू के वार से घायल हो गए। रवि प्रजापत काका गंभीर घायल चाकू के हमले से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो वहीं गंभीर घायल श्यामलाल प्रजापत भतीजा को प्राथमिक उपचार के दौरान मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। दोनों काका भतीजा को चाकू मारने वाले आरोपी कैलाश को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एफएसएल टीम जांच के बाद सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसे मुझे सूचना मिली इसके भाई ने, दोस्त द्वारा सूचना मिली कि मेरे भाई को चाकू मार दिया, तो मैं तत्काल मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचा और दोनों जो मेरे मोहल्ले के हैं रवि प्रजापत और श्याम प्रजापत, उनको तत्काल में मेरी खुद की गाड़ी में लेकर मैं श्यामगढ़ आया। रास्ते में रवि ने तो बेहोश था, रास्ते में बंद तोड़ दिया था। आज लगभग 3:30 से 4:45 के बीच में दो घायलों को लाया गया, रवि पिता मांगीलाल 32 साल और श्यामलाल पिता अम्बाराम 30 साल, दोनों को लाया गया। दोनों अति गंभीर अवस्था में लाया गया। दोनों के साथ धार धार हथियार से दोनों के शरीर पर वार किए गए थे। रवि के शरीर पर 8 घाव थे और श्यामलाल के शरीर पर 3 घाव थे, जिसमें रवि अत्यंत गंभीर था, जिसकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई और श्यामलाल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया। ये घटना कहाँ की है सर? ये घटना चंदवासा की बताई जा रही है। जो साथ में आए हैं उनके परिजन, उन्होंने बताया कि चंदवासा में ये घटना है। दिन के 3:15 के करीब चंदवासा बस स्टैंड पर रमेश चाय वाले की दुकान के सामने रवि, श्यामलाल और कैलाश के बीच में विवाद हुआ था। कैलाश इससे कुछ रुपए मांगता था, मजदूरी के कुछ रुपए लेन देन का इनका विवाद था आपस में। इसमें कैलाश जो है गाली गलौज करने लग गया, तो श्यामलाल ने समझाया कि काका पैसे दे देगा, काका इसका रवि को काका बोलते थे, काका पैसे दे देगा, गाली गलौज मत कर। इस बात से नाराज होकर कैलाश ने अपने जेब से चाकू निकाला और उसको रवि को चाकू जो है छाती और पसली पेट में और पेड़ों में भी मारा। और वहीं मौके पे उनका भतीजा मौजूद था श्यामलाल, वो भी बीच बचाव करने आया, तो उसे भी जो है बाईं भुजा पर और कंधे पर और बाईं तरफ पेट में चाकू लगा, गंभीर चोटें आई है। कैलाश ने रुपयों के लेनदेन की बात को लेकर रवि और श्यामलाल के साथ प्राणघातक चाकू से प्राणघातक चोटें पहुँचाई है। इलाज के लिए वहाँ के उपसरपंच मौके पर अपनी कार से तत्काल इन दोनों घायलों को लेकर सिविल हॉस्पिटल श्यामगढ़ लाए, जहाँ पे इलाज के दौरान रवि की जो है चोटों की वजह से रवि की मौत हो गई है और श्यामलाल को मंदसौर रिफ़र किया गया अग्रिम इलाज के लिए। इसमें मौके पर अस्पताल में आकर देहाती नालसी धारा 307 भारतीय दंड विधान की दर्ज कर ली गई है और रवि की मौत की वजह से यह प्रकरण हत्या में जाएगा, धारा 302 बढ़ाई जाती है। मर्ग इंटीमेशन कायम कर लिया गया है और पीएम फॉर्म वगैरह भर लिया गया है, लाश को मर्चुरी रूम में रखा गया है। कल एफएसएल अधिकारी इसकी पूरी शव का परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद इसका अभिमत प्राप्त कर इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आरोपी को जो है वहाँ जनता द्वारा पकड़ लिया गया है, उसको राउंड अप कर लिया गया है चंदवासा चौकी में, तो वहाँ जाके मैं अग्रिम कार्रवाई की कैलाश के खिलाफ करूँगा। सर उसके पास से क्या क्या मिला है? अभी मैं कहीं नहीं हूँ, अब जाऊँगा, उसको राउंड अप कर लिया है वहाँ, और जो मुझे चौकी से जानकारी मिली है कि जनता ने पकड़ा, उसमें उसके पास चाकू भी था और जाके मैं